मजा आ गया भाई, मजा आ गया। इंडिया ने बना दिया 397, कोहली की 50 भी 100। ओडीआई में सबसे ज्यादा 100 रन बनाने वाले बैटर बन गए, लेकिन ऐसा ही नहीं, वो कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। 50 100 करने वाले तो बने ही बने, उसके साथ दुनिया के पहले इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन गए जिसने वनडे में 700, वनडे वर्ल्ड कप में 700 से ज्यादा रन बनाए। और सचिन पाजी के 3 रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहला तो ये तोड़ दिया कि भाई एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर का जो रिकॉर्ड था वो सचिन पाजी के नाम था, उन्होंने 7 बार बनाया था, भाई साहब 8 बार बना गए। दूसरा रिकॉर्ड उनके 673 जो था वो हाईएस्ट था, उसका तोड़ दिया। तीसरा उनके 4900 का तोड़ दिया। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड नहीं है, ये सचिन स्मैशिंग, विराट स्मैशिंग सचिन रिकॉर्ड था यार, कि आज मैं आया हूँ और पाजी के रिकॉर्ड तोड़ के जाऊंगा और अपने नाम भी कुछ रिकॉर्ड बना के जाऊंगा। हो गया, वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। मेरे ख्याल में तो इंडिया जीती जाएगी 397 बनाए तो। लेकिन अब बात करेंगे हम किसकी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। इंडिया इंडिया चल रहा है दिमाग में, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का क्या खेल है। कोलकाता में मैच है, कोलकाता में मैच है, पिच कह रही है कि ना यहाँ पे थोड़ी सी स्पिनर्स को हेल्प रहती है, थोड़ी सी है ना, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी हेल्प स्पिनर्स को रहती है। आगे क्या कहानी है, आगे कहानी है कि जो प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया ने पिछले मैच में खिलाया था वो खिलाया था बेंच वाला, और सेम साउथ अफ्रीका ने भी किया था। ऑस्ट्रेलिया ने खिला लिया था सोन एबॉट को, मार्कस स्टोइनिस भी थे, और उधर जो थे उधर एंदिले फैलोक बायो थे मार्को यानसन की जगह। तो मतलब थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपनी बेंच को टेस्ट किया था, लेकिन इस मैच में मुझे लग रहा है कि दोनों टीमें अपनी फुल फ्लेज प्लेइंग 11 के साथ आ जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया में जो कंफ्यूजन है प्लेइंग 11 में बस एक है कि स्टोइनिस, लेबुसेन और स्मिथ में से कौन से दो खेलेंगे, क्योंकि तीनों की जगह नहीं बन रही है। बाकी 9 स्पॉट्स पे जगह क्लियर है। जो एक कंफ्यूजन है वो यही है कि भाई तीन में से दो कौन से, आई थिंक स्टीव स्मिथ और स्टोइनिस खेलें, क्योंकि आपको लेबुसेन की उतनी जरूरत नहीं है इस स्क्वाड में जितनी स्टोइनिस की है, क्योंकि वो आपको एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन दे देते हैं और लास्ट में आगे जो हिट करते हैं जिस तरीके के, ना उनकी अलग बात होती है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं आपका साउथ अफ्रीका का, तो साउथ अफ्रीका का जो प्लेइंग 11 है जो पिछले मैच में उन्होंने खिलाया, उसके कंपैरिजन में आपको क्या है कि वहां तो एक्सपेरिमेंट हुए थे, मार्को यानसन वापस आ जाएंगे ये पक्की बात है ना, और स्पिन 3 खिलाएंगे, सॉरी 2 खिलाएंगे या पेसर 4 खिलाएंगे, ये एक बड़ी बात है। तो ऊपर से आपको लाइनअप दिख रहा है, नंबर 6 तक कोई दिक्कत नहीं है, 7 पे यानसन आ जाएंगे, 8 पे गेराल्ट कोएट जी, फिर केशव महाराज हैं। बात है कि लुंगी अंगेडी खेलेंगे या तबरेज शमसी, लेकिन कोलकाता का पिच चूंकि थोड़ा स्पिनर्स को हेल्प कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तबरेज शमसी खेल जाएंगे। अब आगे फैंटेसी की तरफ चलते हैं। तो फैंटेसी का क्या है कि मैं पहले आपको बता देता हूँ कॉमन प्लेयर्स, कि कौन से वो प्लेयर हैं जो यहाँ पे ऐसे रह सकते हैं जो सबके टीम में मिलेंगे। मतलब जब आप अप टू 4 मेंबर्स की टीम बना के जा रहे हो तो वो प्लेयर ऑलमोस्ट आपको हर टीम में मिलेंगे। कौन से वो प्लेयर्स हैं एक बार देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। क्विंटन डिकॉक सबकी टीम में मिलेंगे, मुझे नहीं लगता क्विंटन डिकॉक को कोई भी ड्रॉप करके जाने वाला है। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श, ये भी दोनों आपको अब सबकी टीम में मिलेंगे, क्योंकि वार्नर तो लीडिंग रन स्कोरर्स में, और मिचेल मार्श अभी आ रहे हैं 144 बना के, नहीं 144 तो बॉल खेली थी, शायद ज्यादा रन बनाया था, आई एम कंफ्यूज, लेकिन बड़ा सा 100 था। मिलेगा मैक्सवेल और यानसन, दोनों सबकी टीम में आएंगे, और नीचे 3 बॉलर्स और, स्टार्क को सब लेंगे, जेम्पा को सब लेंगे, केराल्ट कोहली जी को सब लेंगे। स्टार्क को फिर भी 1% लोग ड्रॉप कर सकते हैं, कोहली जी और जेम्पा को तो सब लेके आने वाले, इनको कोई ड्रॉप नहीं करेगा। तो इस टीम में जो ये 8 प्लेयर्स की टीम बन रही है, 3 प्लेयर मेरे को जोड़ के स्मॉल लीग की टीम मेरी मिल जाएगी। तो कौन सी वो 3 प्लेयर है जोड़ लेते हैं। अब देखो विकेट कीपिंग में जो आपके पास ऑप्शंस हैं और ओवरऑल टीम्स की फॉर्म देखें, तो जो साउथ अफ्रीका से मुझे लग रहा है इतने बड़े इंपॉर्टेंट मैच में बहुत बढ़िया कर सकता है प्लेयर, वो है कौन, हेनरिक क्लासन। अभी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई थी उसमें हेनरिक क्लासन ने बहुत अच्छा किया था, तो हेनरिक क्लासन को क्विंटन डिकॉक के साथ मैंने लगाया, क्योंकि टेम्बा उमा नॉट रिलायबल, राजीव आंड्रा डजन ने अच्छा किया है लेकिन पैचेस में, एडन मार्करम स्टार्ट अच्छा था अब थोड़े धीमे पड़ गए, तो उस केस में मुझे लग रहा है कि हेनरिक क्लासन के पास थोड़ा एज है और बेटर चॉइस है, तो मैं हेनरिक क्लासन को लेके जा रहा हूँ। इनकी जगह वांडर डजन या एडन मार्करम हम फिट कर सकते हैं टॉस के बाद, सिचुएशन पे निर्भर करेगा, तो उसके लिए टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। तीनों जो टॉप 3 है वो ऑस्ट्रेलिया का ले लिया मैं, ट्रेविस हेड और राशि वांडर डजन में से कंफ्यूज था कि किसको लूं, लेकिन मैं हेड की तरफ से ले गया हूँ, क्योंकि हेड से थोड़े ओवर आपको बॉलिंग में मिलने की पॉसिबिलिटी है,
वैसा डेसन के साथ नहीं है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया थोड़ी अलग टीम हो जाती है नॉकआउट्स में। 99 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल हुआ था, बिल्कुल हार गई थी ऑस्ट्रेलिया और वहां से जिता गए थे। बड़ी खूबसूरत सी एक स्टोरी मैंने लिखी थी और वो स्टोरी चली है, आकाश चोपड़ा जी का शो आता है आकाशवाणी, उसमें चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, दो ऑलराउंडर्स हैं मैक्सवेल और यानसन, और दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन है। मैक्सवेल बैटिंग प्रोवेस थोड़ी ज्यादा है इसलिए, और साउथ अफ्रीका स्पिन को क्लासन को छोड़ने तो ज्यादा अच्छा खेलता नहीं है, इसलिए मैक्सवेल को मैं यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज दे रहा हूँ, कैप्टन बना रहा हूँ वाइस कैप्टन यानसन। चार गेंदबाज, तीन हमारे पहले से, इसमें मैंने एडम कगिसो रबाडा को लगाया और बन गई आपकी स्मॉल लीग टीम। अब इसका फाइनल वर्जन आपको चाहिए होगा, जिसका आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपडेट टेलीग्राम पे मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाना, लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात करते हैं ग्रैंड लीग टीम की। तो यहाँ पे थोड़ी से मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए बेसिकली, और बहुत ज्यादा नहीं किया, लेकिन क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप किया, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका चेज करने जाता है या पहले भी बैटिंग करता है तो भी क्विंटन डिकॉक ने अच्छा करने के बावजूद भी थोड़ा सा तो है कि टेम्पटिंग रहेंगे। रबाडा अच्छे खेल रहे हैं, यानसन बढ़िया, सॉरी स्टार्क अच्छा खेल रहे हैं, हेजलवुड अच्छा खेल रहे हैं, पहले स्पेल में हेजलवुड का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, विकेट गिरने की पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए डिकॉक को मैंने यहाँ पे गिराया, सॉरी ड्रॉप किया, गिराया नहीं है, यहाँ पे हैनरिक क्लासन को लिया और वाइस कैप्टन बनाया, क्योंकि बड़ा ही उम्मीद है मुझे इस प्लेयर को। अगर साउथ अफ्रीका को कहीं चांस बनाना है तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए के बगैर नहीं बनेगा, ये पक्की बात है। तीन बैटर हैं, मिचेल मार्श, डेविड वार्नर तो हैं, उनके साथ राजीव वंडर डजन है, कैप्टन यहाँ पे डेविड वार्नर है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने पूरे थ्रू द टूर्नामेंट, तो बेस्टली अच्छी चॉइस है। तीन आपके ऑलराउंडर्स हैं जिसमें यानसन मैक्सवेल के साथ मार्करम को लेकर आ गया हूं मैं, थोड़ी बैटिंग को हैवी किया है साउथ अफ्रीका के, बॉलर वही चार नहीं, स्टार्क की जगह हेजलवुड एक चेंज किया है। ठीक है, तो ये आपका लेखा जोखा था इस मैच का। हमारी और आपकी मुलाकात का सिलसिला जो है बरकरार रहेगा वर्ल्ड कप के बाद भी, हालांकि ये दूसरा सेमीफाइनल, इसके बाद एक ही मैच है, लेकिन चूंकि प्रो कबड्डी आ रही है और प्रो कबड्डी से पहले मैं आपके लिए कुछ नॉलेजेबल वीडियोस लाने वाला हूँ, जैसे ना कौन से ऐसे फैंटेसी एक्सपर्ट हैं जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये मेरे को ग्रैंड लीग जिता देंगे या स्मॉल लीग में प्रॉफिट में रहेंगे, उसके अलावा कैसे फैंटेसी टीम आपको कबड्डी की बनानी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब मान लो दो रेडर एक ही जैसे हैं किसी कबड्डी टीम में, तो उनमें से कौन ज्यादा रेड करेगा, कैसे पता करें, ये सारी चीजें हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने ज्ञान से बता रहा हूँ, ये मैंने ना कबड्डी टीम के कोचेस से, कबड्डी टीम के प्लेयर्स से बात करने के बाद मतलब कंक्लूजन निकाला है। तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं, चैनल पे जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहें, प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखें, मिलते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त, टाटा बाय बाय, जय माता दी।